बात में शर्म आ रही है, मुझे कहने की जरूरत पड़ी है, नहीं ये नहीं होना चाहिए। सियासतदानों को इलेक्शन में अपने आप को एक दूसरे को मनवाना चाहिए, और जो लॉन्ग मार्च है, एहतजाज है, पुरमन एहतजाज, ये सबका हक है, सबका हक है, सबका हक है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अगर दिखाना इमरान खान को बंद कर दिया तो क्या आप यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं? तो कोई भी एक पुरमन एक बेहतरीन अंदाज में, जिसमें कोई आप कानून को नहीं तोड़े, आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे, तो आप नया नहीं करें। और ये जो अभी इस वक्त हो रहा है, ये आप सबको, हम सबको, पीडीएम को भी पता है वो गलत हो रहा है, उसको माने या ना माने, ये होता है, वक्त गुजर जाता है, काफ़ी वक्त गुजर गया है। और मैं इस्लामा पुलिस का शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने फोर्सेस का, अपने इदारों का, कि मेरे इस्लामाबाद को, हम सबके इस्लामाबाद को बेहतर हो गया, काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है, इसको बेहतर से बेहतरी की तरफ करें। और वो जो बिला वजह के लोगों को गिरफ्तारियां हुई हुई हैं, उनको हटाए, हमारे एक जवान है एसएसजी के, वो तो थे ही नहीं वहाँ पर, वो खान साहब के, और उनके ऊपर भी FIR। तो मेरे ख्याल में पुलिस को भी पता है, वो भी इंसान है, वो भी सब पहले पाकिस्तानी है उसके। और हम सबको शर्म आती है जब कोई गलत हो, कत्ल हो, कहते हैं हम मुसलमान हैं और इसी नाम पे हमारा पाकिस्तान है, कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और जुर्म और जुल्म जो है वो गलत है, उसको हटाएं। और आज के 2023 है, और इसमें भी अगर हम बारबेरियन वाली हरकतें करें तो मेरे ख्याल में शर्म आती है। मुझे इस वक्त जलसों की बात करनी चाहिए, अपनी PTI की बात करनी चाहिए, खान साहब के नज़रिए की बात करनी चाहिए, अगले 5 साल में हमने आके क्या करना है वो करना चाहिए, ना कि खान साहब को इस किस्म की चीज़ों में लगा दिया है। लेकिन आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो देखते हैं, सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं हमें, और अल्लाह करे इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। ये जो छुपे हुए इसलिए हैं कि खौफजदा किया हुआ है, बिला वजह तोड़ फोड़ और लोगों के घरों में ना जाएँ, सब माएँ सबकी सांझी होती हैं, बहन भाई, मैं ये नहीं कहती, माँ बहन के लफ्ज़ नहीं कहती, ये माँ बहन वाला लफ्ज़ नहीं, सब बहन भाई, माँ बाप, बड़े, हर एक की हिफाजत, हर एक से एक क्या कहते हैं, उनकी वकार को कायम रखना हम सबका फ़र्ज़ है, इसी के लिए पुलिस है। पुलिस और आवाम को कभी भी आमने सामने ना करें। मैं 2014 में भी कहती थी, 2018 में भी कहती हूँ, और अफसोस की बात है कि मुझे आज भी वही लफ्ज़ कहने पड़े हैं, लेकिन जुल्म जो है वो कम नहीं हो रहा, ज़्यादा हो रहा है। तो छोड़ दें इस चीज़ को, इलेक्शन की तैयारी करें, आएँ, और ये जो गलत लोगों को आपने गलत तरीके से पकड़ा हुआ है, इनको छोड़ें और इलेक्शंस के मैदान में आएँ, और फिर देखें दबादम मस्त कलंदर होगा, खान साहब के कितने वोट हैं और बाकियों के कितने वोट हैं वो पता चल जाएगा, वोट के ज़रिए पता लगेगा। तो मैं तो यही कहूँगी, और सबको ये कहूँगी कि आपके सब्र करने का शुक्रिया, खान साहब के लिए दुआओं का शुक्रिया, और वो लोग जो अभी बहुत सारे अच्छे लोग, चंद बुरे लोग हैं, ज़्यादा अच्छे लोग हैं हर इदारे में, हर जगह पे, सियासत में भी। लेकिन नौजवानों को ये मत बताएं कि सियासत बहुत बुरी चीज़ है, और जब मुझे कोई कहता है मैडम सियासत, तो उसका हुसन है क्या, ये जेल हुसन है? भाई क्यों, पढ़ा लिखा बंदा जेल नहीं जाता, वो काम करता है, वो टेबल में बैठता है, काम करता है। आप सियासत में किस लिए आ रहे हैं? आपने खिदमत करनी है आवाम की, ना कि आप जेलों में बैठे हो। जेल में तो बुरे लोगों को बैठना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमें अब अपनी लाइनों को मुख्तस करना चाहिए, किसी को भी किसी चीज़ से आगे तजावज़ नहीं करना चाहिए, और सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए इलेक्शन के ज़रिए, यही मेरे ख्याल में बेहतरीन हल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया, इमरान खान जिंदाबाद।